अभी हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं अबाउट द सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी। सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था कि ये कोई भी पर्टिकुलर फ्लूइड के जो फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स थे उन पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करता था, क्योंकि नीचे वाले जो पार्टिकल्स थे वो तो उनको अट्रैक्ट कर पाते थे, लेकिन उनके ऊपर कोई दूसरे वहां पर पार्टिकल्स नहीं होते थे, जिसके कारण इन पर जो नेट फोर्स लगता था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता था। एक अनबैलेंस्ड फोर्स होने के कारण इनमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रहती थी और वही एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग बोल देते थे एज अ सरफेस एनर्जी। यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जो सरफेस टेंशन था दैट वाज नथिंग बट दैट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसीलिए सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती थी दैट वाज न्यूटन पर मीटर। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था एज सिग्मा इनटू ए, ए इज नथिंग बट दैट इज द सरफेस एरिया, सो इसकी यूनिट हो जाती थी न्यूटन मीटर। हमने ये भी देखा था कि कोई भी पर्टिकुलर फ्लूइड है, फ्लूइड अपने सरफेस एनर्जी को कम से कम करने की कोशिश करता था, इस कारण से जो भी ड्रॉप्स होती थी उनका शेप कैसा होता था, स्फेरिकल शेप होता था। फिर हमने यहां पर यह भी देखा था कि अलग अलग तरह के जो भी शेप्स हो सकते हैं फ्लूइड के, जैसे कि बबल होगा या फिर ड्रॉप होगा, उसके लिए हम लोग इंटरनल प्रेशर के फॉर्मुलेज निकालते थे। तो अगर इंटरनल प्रेशर के फॉर्मुलेज वापस से रिवाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ पर्टिकुलर ड्रॉप ऑफ अ फ्लूइड हमने फॉर्मूला पढ़ा था यहां पर एस पी इक्वल्स टू फोर सिग्मा अपॉन कैपिटल डी, डी इज द डायमीटर। बट अगर मान ले आपको बबल बोला है तो बबल के लिए यहां पर फॉर्मूला बन जाता था एज 8 सिग्मा अपॉन डी, क्योंकि इधर दो यहां पर फ्री सरफेस होते थे, अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है, तो यहां पर दो फ्री सरफेस एरिया होते थे जबकि यहां पर सिर्फ एक ही फ्री सरफेस एरिया होता था, जिसके कारण इंटरनल प्रेशर का फॉर्मूला चेंज हो जाता था। बट अगर मान ले एक ऐसा एयर बबल है जो कि आपके लिक्विड के अंदर ही है, तो लिक्विड के अंदर वहां पर सिर्फ एक ही आपका फ्री सरफेस होगा, फॉर्मूला बन जाएगा एज 4 सिग्मा अपॉन कैपिटल डी। वहीं इसके अलावा हम लोगों ने एक वाटर जेट या फ्लूइड जेट के लिए भी फॉर्मूला बनाया था एंड दैट फॉर्मूला वाज फॉर इंटरनल प्रेशर इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन कैपिटल डी। कैपिटल डी कुछ और नहीं बल्कि यहां पर कैपिटल डी इज नथिंग बट दैट इज द डायमीटर ऑफ द जेट होगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम लोगों ने फिर आगे ये भी पढ़ा था कि जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन के कारण राइज देखने को मिलता था ऑफ कैपिलरी, और कैपिलरिटी क्या होता था, तो राइज और फॉल जो देखने को मिलता है फाइन डायमीटर ट्यूब में उसको हम लोग बोल देते थे एज द कैपिलरिटी। अगर मान ले एडहेशन ज्यादा है देन द कोहेशन, तो हमने बोला था यहां पर कि राइज देखने को मिलेगा और इसके लिए जो कॉन्टेक्ट एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम रहेगा, जो मेनिस्कस रहेगा मेनिस्कस बनेगा इसका कॉनकेव, और एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा था हम लोगों ने वाटर एंड ग्लास। बट अगर मान ले कोहेजन ज्यादा है देन एडेशन, तो फिर वहां पर हमने पढ़ा था कि ऐसे केस में फॉल देखने को मिलेगा और कॉन्टेक्ट एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा और जो मेनिस्कस बनेगा वो कॉन्वेक्स बनेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे याद रखा था मर्क्यूरी एंड ग्लास। अगर कैपिलरिटी के फॉर्मुलेज की बातें करें तो यहां पर जो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था दैट वॉज फॉर द सिलेंड्रिकल ट्यूब। अगर मान ले सिलेंड्रिकल ट्यूब है तो जो फॉर्मूला बना था, मान लेते ये आपका सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो हाइट ऑफ राइज के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था यहां पर इस तरह का, कुछ कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा और ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ राइज। मान लेते हैं ये डायमीटर है ऑफ ट्यूब का स्मॉल डी, तो फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने हाइट ऑफ कैपिलरी राइज एज 4 सिग्मा अपॉन कॉस थीटा अपॉन रो जी इंटू डी, ठीक है। यहां पर ये फॉर्मूला याद रखेंगे फॉर द सिलेंड्रिकल ट्यूब। बट अगर मान ले एनुलर ट्यूब है, एनुलर ट्यूब का मतलब क्या होता था कि अगर मान ले एक के अंदर एक इस तरह की ट्यूब्स है और इसमें जो फ्लूइड है वो यहां प्रेजेंट है, ये पूरा सॉलिड है, तो इस केस में आप लोगों ने देखा था कि जो फॉर्मूला आया था, मान लेते इसका डायमीटर है आपका डी वन और इसका डायमीटर है डी टू, तो जो फाइनली फॉर्मूला बना था दैट वॉज इक्वल्स टू हाइट ऑफ कैपिटल राइज इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन डी टू माइनस डी वन इंटू रो जी। वहीं इसके अलावा एक और फॉर्मूला अगर चेक करें यहां पर दैट इज फॉर द पैरेलल प्लेट्स। अगर मान ले पैरेलल प्लेट्स बहुत ज्यादा पास पास लगी है और ये जो पैरेलल प्लेट्स है ये मैं मान लेता हूं ये है पैरेलल प्लेट्स, एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ये दिख रही है, तो इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच का अगर मैं डिस्टेंस मान लेता हूं इज टी और यहां पर कुछ इस तरह का लिक्विड राइज हुआ है, तो इसमें हम लोगों ने ध्यान दिया था कि दैट द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल बी गिवन एज 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन टी इंटू रो जी। टी क्या है, टी इज द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल प्लेट्स। तो इस तरह से यहां पर फॉर्मुलेज डिराइव करे थे हम लोगों ने फॉर द कैपिलरिटी ऑल्सो।